आप देख रहे हैं ARTV चैनल। हल्के याकूतपुरा में बल्दी मसाइल पर अवामी शिकायत मौसूल होने के बाद याकूतपुरा हल्के के बल्दी डिवीजन कुरमागुड़ा, रिनबाजार, तबीरपुरा में आज मुतालिका रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने तफसीली दौरा किया। इस मौके पर कॉरपोरेटर शफात अली, अलमदार वाला जाही अब्दुल वासे के अलावा बल्दी और ददारान भी मौजूद थे। इस मौके पर सैयद अहमद पाशा खादरी ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात बताई। असम्बली हल्के के बल्दी डिवीजन कुरमागुड़ा, रैन बाजार, दबीरपुरा इन इलाकों में कुछ शिकायतें थी। नकीबी मिलत बारिश असदुद्दीन साहब सदर मजलिस पार्लियामेंट की हिदायत पर ड्रेनेज के बल्दिया के ऑफिसरों के साथ एरिया कारपोरेटर, नुमाइंदा कारपोरेटर शफा साहब, मुजफ्फर हुसैन साहब कारपोरेटर और हमारे वासे साहब कारपोरेटर, अलमदार बालाजी साहब, इन तमाम के साथ दौरा किया गया। और सबसे पहले दारबजंग कॉलोनी में एक ड्रेनेज का मसला था जो हमेशा ओवरफ्लो होता वहाँ पर, वो पानी बहते हुए मिलाद रोड तक आता, सालारजंग मस्जिद, सालार मुल्क मस्जिद के पास से होते। मेरा नकीब मिलत असदुद्दीन साहब को कोई इतला करे, और उसके बाद इससे पहले भी जाके मैंने देखा था, लेकिन उसका मुस्तकल हल अब निकला। वहाँ एक पतली गली है, उसमें से एक सीवर लाइन डालना है, वो डाल देने के बाद और दो चार मेन होल बनाने के हैं, उसके बाद यह शिकायत ख़त्म हो जाएगी। फिर वहाँ से रैन बाजार बल्दी डिवीजन के इलाके SRT कॉलोनी में आए, वहाँ पर रैन बाजार सुपर बाजार के पीछे के हिस्से में वहाँ पर ड्रेनेज का प्रॉब्लम था। उसको GM साहब बताए कि एक नई लाइन डाल के नाले में उसका कनेक्शन दे देंगे, तो वहाँ थोड़े थोड़े दिन को जो ओवरफ्लो हो रहा है उसका मसला ख़त्म हो जाएगा। वहाँ से गुंडाला बोली मैं यहाँ पर तकरीबन एक महीने से पानी की तकलीफ है लोगों को। आप देख रहे हैं ARTV चैनल।